नमस्कार, एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें कि भारत सरकार के बने हुए नवोदय विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पूरे जनपद में अलग अलग गांव तथा स्कूलों से करीब 4005 छात्र छात्राओं ने अपना रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें 2691 छात्र छात्राओं ने परीक्षा में भाग लिया। करीब 1314 बच्चों ने कड़ाके की सर्दी के कारण परीक्षा को छोड़ दिया। कड़ाके की सर्दी पिछले 15 दिनों से लगातार पड़ रही है, जिसकी वजह से आज बहुत सारे छात्र छात्राओं ने परीक्षा नहीं दी। जानकारी देते हुए नवोदय के प्रधानाचार्य डॉ. राजेश यादव ने बताया कि जुलाई अगस्त में ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कक्षा 6 के लिए किए थे, जिसमें करीब 4005 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन किया था। ये परीक्षा जनपद के 9 केंद्रों में कराई गई है, जिसमें सुदीति ग्लोबल अकेडमी, किरण सौजिया इंटर कॉलेज, कुंवर आरसी महिला इंटर कॉलेज, जीजीआईसी इंटर कॉलेज बालक, जीजीआईसी बालिका इंटर कॉलेज मैनपुरी, पैराडाइज पब्लिक स्कूल, मलखान सिंह इंटर कॉलेज गोरावली, नेहरू इंटर कॉलेज, सामान सनातन धर्म इंटर कॉलेज कैंटो में नवोदय परीक्षा कराई गई। परीक्षा में भारी तादाद में पुलिस बल लगाया गया। सभी स्कूलों में बच्चों की सर्च ली गई। नकलविहीन परीक्षा शांतपूर्ण ढंग से सभी केंद्रों पर कराई गई। विद्यालय प्रबंध समिति ने बच्चों को कड़ाके की सर्दी की वजह से चाय की व्यवस्था भी की गई थी। छात्र छात्राओं में बहुत भारी उत्साह देखा गया है। बच्चों से बात करने पर पता चला कि सभी बच्चों ने हंसी खुशी से एक ही बात कही है, मैंने पूरा पेपर किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखना यह है कि इस वर्ष कौन से वह छात्र छात्राएं होंगे जो नवोदय विद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने में कामयाबी प्राप्त कर सकेंगे। इस संबंध में प्रधानाचार्य तथा छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, एएसबी न्यूज। अच्छा, आपने नवोदय का पेपर दिया, कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया। कितने क्वेश्चन करके आए आप? सर, सारे करके आए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नाम क्या है आपका? अपना क्या बताया था आपने? अंशिका यादव। ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, आपका नवोदय पेपर दिया आपने, दिया कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। कितना करके आए हैं आप पेपर? अच्छा, आपने जो आज नवोदय का पेपर दिया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? कितना करके आए, कैसा लगभग पूरा करके आए? अच्छा, ठीक है। आपने आज नवोदय का पेपर दिया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, पूरा कैसे करके आए पेपर? कैसा आया पेपर? कैसा पेपर दिया, कैसा पेपर आया आपका? आप कैसा करके आए हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? चेयरमैन डॉक्टर किरण सौजिया, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशनल एकेडमी मैनपुरी। आपके चैनल की तरफ से सभी सम्मानित जनों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है। हर वर्ष यहाँ नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का सेंटर रहता है और इस वर्ष भी है। इस परीक्षा केंद्र पर मैनपुरी ब्लॉक के बच्चे जो हैं 564 टोटल एनरोलमेंट है, जिसमें से 367 प्रेजेंट हैं और 197 एबसेंट हैं। चूँकि आज सर्दी बहुत ही हाड़ कपाने वाली सर्दी थी, जिसमें आए हुए सभी परीक्षार्थियों को मैंने चाय की व्यवस्था उनके क्लासरूम में करवाई, साथ ही जो पेरेंट्स भी आए थे उन पेरेंट्स को भी बैठने के साथ साथ उनके चाय और पानी की व्यवस्थाएँ कराई। थैंक यू, जय हिंद। कैसे परीक्षा हुई? इस परीक्षा में पहले तो जुलाई अगस्त के आसपास हमारा फॉर्म निकले थे, ऑनलाइन फॉर्म निकले थे, और वो फॉर्म लगभग 4005 फॉर्म उस वक्त भरे गए थे जी। और यह एक परीक्षा सत्र 2024-25 में कक्षा 6 के एडमिशन के लिए हुई है, जिसमें कि 2691 छात्र उपस्थित रहे हैं जी। कहाँ कहाँ सेंटर बनाए गए हैं, कौन से सेंटर हैं? ये सेंटर हमारे जिला मैनपुरी के कुंवर आरसी महिला इंटर कॉलेज, मलखान सिंह इंटर कॉलेज कुरावली, किरण सौजिया इंटर कॉलेज, सुदीति ग्लोबल एकेडमी, जीआईसी पालक, जीआईसी बालिका, नेहरू इंटर कॉलेज समान, पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पर बच्चों को, जैसे आपके यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको क्या क्या सुविधाएं रहती हैं? यहाँ पर सभी चीज़ जो है, आप जो हमारे यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये विद्यालय खोले गए हैं, जिसमें कि क्लास 6 के लिए जो रिजर्वेशन होता है ग्रामीण प्रवेश के लिए 75% रिजर्वेशन होता है और 25% ओपन होता है। जैसे सर जो बच्चे बैठे थे, ये
आप क्लियर कर सकते हैं कितने कैटेगरी के कौन कौन से बच्चे बैठे थे? या अभी तो इतना नहीं बता सकते, एग्जाम हो जाएगी इसका कैलकुलेशन में तब बता पाएंगे। सर आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही, बने रहें ASB News के साथ। नमस्कार।